जय हिंद दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और दोस्तों मेरे पास इतने कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान होमगार्ड की भर्ती कब होगी, सर आपने बता तो दिया है इसकी डेट कब आएगी और कब इसके एडमिट कार्ड आने शुरू होंगे। और मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि आपकी एक कमेटी बनने वाली है और वो अशोक गहलोत सीएम जी ने हमारे उन्होंने ये घोषणा भी कर दी गई थी कि आपकी एक होम सेक्रेटरी द्वारा एक नई कमेटी बनेगी, उसके तहत जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो होमगार्ड की व्यवस्था चल रही है, जो अच्छी व्यवस्था चल रही है, उनको एब्जॉर्ब करके और राजस्थान होमगार्ड पे अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पिछले आपको कहा था, तो दोस्तों फाइनली वो जो कमेटी है वो कमेटी गठित हो चुकी है, बन चुकी है। कमेटी के अब कमेटी अंदर उस पे कार्य शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कार्य क्या क्या होने वाले हैं उसके अंदर। तो दोस्तों होमगार्ड के अंदर सबसे पहले मुद्दा तो था कि होमगार्ड की जो भर्ती है उसको जल्द करवाया जाएगा और इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन जो है राजस्थान के वो दिसंबर में है। आप मान के चलो अभी जो मंथ चल रहा है जून का और अब दिसंबर को देखे गैप देखे तो इनका 5 से 6 महीने का गैप है, और इसी गैप के अंदर होमगार्ड की भर्ती भी आपकी होगी। और जो भाई तैयारी कर रहे हैं, और मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं एक एक करके जवाब तो नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ। और वीडियो दोस्तों आपको आगे पूरा पता चलेगा कि ये जो कमेटी है उसके द्वारा क्या व्यवस्था रखी जाएगी और किस प्रकार से होमगार्ड जो लगे हुए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको व्यवस्था दी जाएगी। तो अब मैं आपको बता देते हैं कि जो कमेटी है वो होमगार्ड के लिए बनी जा रही है और जो होमगार्ड के भाई लगे हुए हैं, और जैसे कि उनका जो एक मेन मुद्दा था कि हमें नियमित किया जाए, तो उनका जो पहले 5 साल का था वो अब 15 साल कर दिया गया है और सैलरी भी उनकी बढ़ा दी गई है। और अब बात करते हैं जो फिजिकल है। दोस्तों ये जो कमेटी बनी है इसी के अंदर आपका अब फिजिकल होगा, और जो पहले जो विज्ञप्ति थी जैसे कि 5 साल के लिए आपको चुना गया था, विज्ञप्ति के अनुसार जो होमगार्ड के फॉर्म भरे गए थे अब उनको भी सुधार किया गया है, और सुधार करते हुए अब जल्द आपके एडमिट कार्ड भी आने शुरू होंगे और ये भर्ती भी शुरू हो जाएगी। आप सबको अब आपको पूरी डिटेल बताते हैं किस प्रकार से ये कमेटी बनी है और किस प्रकार से इसमें सुविधा होमगार्ड को दी जा रही है। तो अब आप देख लीजिए आगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु क्या जानकारी? बिल्कुल खुशबू, बात होमगार्ड के लेकर जुड़ी हुई है। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड नामांकित है, उनमें से करीब 28,000 के आसपास है और 15,000 ऑन रोल पर है। ये होमगार्ड लगातार पिछले कई वर्षों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी करते आए हैं, अपनी समस्याएं विभिन्न स्तरों पर रखते आए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 मई को जब होमगार्ड निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन हुआ था तब उनकी समस्याएं सुनी थी। दो समस्याएं प्रमुख थी, उनमें से 5 जो वर्ष में हर 5 वर्ष में इनका रिन्यूअल होता है, हर 5 साल में इनका नया कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से एक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद अगर 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट में सफल हुए तो ठीक, नहीं तो उनकी जो नॉमिनेशन है वो खत्म कर दिया जाता है। तो अब ये 15 साल में होगा, एक बड़ी राहत उनको ये दी थी। और दूसरी राहत ये थी कि जो ये समस्या है, क्योंकि जो कई दूसरे राज्य हैं वहाँ होमगार्ड पुलिस के समकक्ष वेतन मांग रहे हैं, अन्य सुविधाएं पा रहे हैं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार स्ट्रक्चर पास हो चुके हैं कि सभी राज्य होमगार्ड को सही जो समान सुविधाएं और समान जो वेतन है वो दिया जाए, इसको लेकर भी इनकी समस्याएं कई बार रही है। और इस समस्या को भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री ने समझा और प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के लिए अब कवायद शुरू हुई है, और उसमें होमगार्ड जो डीजी होमगार्ड है उनसे कमेटी के प्रस्ताव मांगे हैं कि वो कमेटी कौन कौन उस कमेटी में रहेगा, जो होमगार्ड की समस्या को सुना जाएगा, उनकी जो समस्याएं सुनने के बाद उनके समाधान में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में क्या होमगार्ड को सुविधाएं मिल रही है जो यहाँ राजस्थान में दी जा सकती है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है। और अब जल्द अगर कमेटी गठित होगी तो उसके बाद प्रोसेस होगा। हालांकि इसको चुनावी जो साल है और चुनावी जो माहौल है उसको देख से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार होमगार्ड्स को आश्वासन मिल चुके हैं, तो ऐसे में होमगार्ड्स अभी फिलहाल इसको लेकर आशान्वित जरूर है, लेकिन उन्हें
पूरी तरह उम्मीद है कि ये उनकी समस्याएं जो सभी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, विष्णु खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सबने देखा कि कमेटी का किस प्रकार से गठन किया जा रहा है, और दोस्तों इस पे आपके क्या विचार है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ संजय नायक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और जो मेरे भाई नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, उनको बताना चाहूंगा कि आप कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो जो भी जॉब्स के नोटिफिकेशन होते हैं और एडमिट कार्ड होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।